जी, मेरा नाम उमर मुख्तार भट्ट है, मैं कमरवरी का बाशिंदा हूँ। और आप 12 साल से मैं देख रहा हूँ, ये हमारा जो ये ब्रिज बन रहा है कमरवरी टू नूरबाग, ये पिछले 12 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत यही दो पिलर्स तैयार हुए, बाकी अभी काम पड़ा है। हमारे यहाँ हमारी साइड से मस्जिद शरीफ थी, इन्होंने बोला कि पिछले 2-3 महीने में हम आपको ये इसके कंपनसेशन देंगे। हमने मस्जिद शरीफ भी शहीद कर दी, उसको दूसरे साइड, मगर फिर भी काम वैसे की वैसा ही। जो इसकी सेटलमेंट हुई नहीं है, अभी प्रपोजल भी नहीं आया है हमारे एज अ हमारे ट्रेडर को, अभी तक प्रपोजल भी नहीं आया है इस बारे में। आपको नुकसान तो बहुत है, आप पिछले 2019 से देख रहे हैं कि मार्केट पूरी तरह से फ्लॉप है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। अब हम सेक्रिफाइस करने के लिए तैयार है कि अगर ये काम डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ जो हमारे ट्रेडर है अगर वो इसमें इसके जद में आते हैं, उनको कंपनसेशन करने के लिए गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा आगे आने। सरकार एवं हमारे जो DC साहब हैं उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि मस्जिद का भी उन्होंने इशू यहाँ सॉल्व किया, अब हमारे साथ एज ए ट्रेडर बात करने के लिए तैयार है। वो इंशाल्लाह रहमान, हमको उनके साथ पूरा यकीन है कि वो हमारे जितने भी जायज़ मुतालबात होगी वो कम्प्लीट हो जाएगी। आपकी जी से हमारी LG इंतजाम से यही इल्तिजा है कि जहाँ भी एक ट्रेडर को इफेक्ट हो रहा है उनको कंपनसेट किया जाए। हमारे यहाँ एज ए ट्रेडर बात करूँगा, हमारे 177 दुकानें इसमें इफेक्ट हो रही हैं, पूरे रोड बनिंग में 177 दुकानें। क्या लगता है आपको सरकार कंपनसेट कर पाएगी इसको? सर हमारी कोशिश है कि हम कंपनसेशन नहीं मांग रहे, हम रिहेबिलिटेशन मांग रहे। अगर आपको यहाँ दुकानदार उठाना है हम उसके खिलाफ नहीं हैं, मगर उसको उसी जगह कम से कम अगर आपको 10 फीट उठाने आप 20 फीट उठा दीजिए, 10 फीट में उस दुकानदार को आप रिहेबिलिटेट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम बिलाल अहमद मीर है, मैं इस कमरवारी ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आपके क्या मसले आज DC साहब ने भी दौरा किया था? हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं DC साहब के कि वो हमारे पास आए, कुछ वक्त हमारे पास गुजारा तो, और वो उन्होंने हमारे साथ बात भी की, वो पॉजिटिव रही, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। हमारा ये मसला है कि यहाँ पे जो हमको है फर्स्ट इशू है हमारा यहाँ रोड वाइडिंग। हम ये चाहते हैं कि अगर वी आर नॉट अगेंस्ट रोड वाइडिंग, हम ये नहीं चाहते हैं कि रोड बड़ा नहीं होना चाहिए, मगर हमारा मसला यही है कि जो हमारे दुकान यहाँ पे 177 हिट हो रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और ये मसला है किसी दुकानदार में अब वक्त नहीं रही कि वो दुकानदारी आगे कर सके, मगर ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पॉलिसी 2002 की जो 10 लाख बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसमें से 25% लैंडलॉर्ड को दीजिए, टोटल इसको 750 लाख दुकानदार को मिलते हैं, उसमें से भी 10% या अपना कमीशन काटते हैं, टैक्स काटते हैं, उसके लिए भी लड़ना पड़ता है, मगर आमतौर पे वो रिबेट नहीं होता है। हम यही चाहता है कि इसको अगर हमको रिहेबिलिटेट किया जाए, दुकान के बदला दुकान दिया जाए। अगर आपको 20 फुट उठाने हैं आप 30 फुट उठाइए, उसी में हमको रिहेबिलिटेट कीजिए और जो कंपनसेशन है उसको एनहांस किया जाए। आपको सरकार ने आपको ऑन बोर्ड लिया, आपके साथ मीटिंग आपको लिया कॉन्फ्रेंस में? हाँ, सरकार के साथ हमारी मीटिंग हुई है, DC साहब से हमारी खासकर मीटिंग हुई है, उन्होंने बोला कि आई एम विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कि जो भी आपका मसला होगा वो हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हल करेंगे आपके साथ। शाहिन जनाब, क्या है आप इस मार्ग के लिए? मैं इस मार्ग में सुपरवाइज़र हूँ जनाब। लगता है जो यहाँ पर आप सरकार की जो यहाँ पर जो है रोड वाइड का प्लान, हमारा इसमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है हमारे, हम दुकानदारों का सबका एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें रिहेबिलिट किया जाए, हम यही चाहते हैं। हमारा दुकानदार कहाँ जाएंगे इस वक्त, जिसे 40 साल गुजारे इस मार्केट में वो कहाँ जाए? हम गवर्नमेंट से ही इस्तेदा करते हैं हमें रिहेबिलिट किया जाए, यही गुजारिश हमारी। इस दुकान के खजानची है, प्रॉब्लम तो यही है कि रोड वाइडिंग का मसला है, तो हम इसके खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं कि यहाँ रोज़ ट्रैफिक जामिंग हो रहा है, हम चाहते हैं कि रोड खुला हो जाए,
लेकिन दुकानदारों के साथ इंसाफ किया जाए। ये कब से ये जो सरकार का प्लान है, ये तो मैंने सुना है कि बहुत 10-20 साल से तकरीबन 10-12 साल से 10-15 साल से 20 साल से तकरीबन है। प्रॉब्लम यही है बस, और कुछ नहीं है। हमारी डिमांड यही है, हमारा गवर्नमेंट से डीसी साहब से यही इल्तिजा है कि हमें रिहैबिलिटेट किया जाए, दुकानदारों के साथ इंसाफ किया जाए। एलजी इंतजामिया से आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही दुकानदारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। दुकानदारों को 30-40 साल हो गए वो रोजी रोटी कमाते हैं इधर, उनको उस पर आँच नहीं आना चाहिए, वो बेरोजगार नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोग वाबस्ता है, चाहे सेल्स मैन हो चाहे हेल्परस हो जो भी है, कितने लोग? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 1 लाख से ऊपर पर होगा, 1 लाख से ऊपर होगा। क्या करेंगे, हाँ मजबूर हैं। व्यापारी से लेकर दुकानदार, आपको लगता है ये अच्छा डिसीजन है क्या? क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल 370 उससे भी बिजनेस हमारा लॉस हुआ है तो कोरोना वायरस की वजह से। ये सबों को पता है, ये कोई झूठ की कहानी नहीं है, ये सबों को पता है। यहाँ जो ज़्यादा सफ़र हो गया वो यही दुकानदार पेशा वही सफ़र कर रहा है, ज़्यादा सफ़र डिफॉल्टर हो गए दुकानदार, सब दुकानदार डिफॉल्टर हो गए, काम ही नहीं है। चार महीने, पाँच महीने, छः महीने के बाद दुकानें खोली हमने लॉकडाउन की वजह से। क्या करेंगे हमारी मार चारों तरफ से पड़ती है दुकानदारों, क्या करेंगे, हम मजबूर हैं।